हाय गाइस, दिस इज़ गेमिंग प्रो ओशन एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं जॉर्जो पोल के रिलेटेड, राइट? कि जॉर्जो पोल को कैसे आपने कॉन्कर करना, अगर आप उतरते हो तो जॉर्जो पोल में लड़ने की क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, किन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू आप जॉर्जो पोल में मास्टर कर सकते हो। बिकॉज जॉर्जो पोल में हम लोगों को पता है पहले से ज़्यादा नहीं, बट हाँ स्टिल अच्छी लूट मिलती है। पहले काफ़ी ज़्यादा लूट मिलती है, 0.10.5 से लूट थोड़ी सी कम हो गई थी, बट स्टिल जॉर्जो पोल की लूट अच्छी है। जॉर्जो पोल में मोस्ट प्रॉब्ली फ्लेयर्स वगैरह मिल जाती हैं, अच्छी फाइट्स भी होती हैं बिकॉज कंटेनर्स बहुत सारे हैं, तो थोड़े छुपने के एरिया भी हो जाते हैं। तो किस टाइप से आपको फाइट लेनी है जॉर्जो पोल में, उस चीज़ के ऊपर अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस। सो लेट्स एक्चुअली बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो जॉर्जो पोल में उतरने के लिए आपको मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे आपका पैराशूट खुलता है ना, नीचे के टेक्सचर्स रेंडर होना शुरू हो जाते हैं, राइट? जैसे ही आपका पैराशूट ओपन होता है और थोड़ा सा नीचे आके आपको कंटेनर्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें दिखने लग जाती हैं, तो जैसे ही आपको दिखे कि नीचे क्या चीज़ है, जैसे ही आपको गन दिखे ना, ट्राई टू लैंड ऑन द गन फर्स्ट। बिकॉज जो भी बंदा अगर अगर कोई उतरते ही कोई हेलमेट या वेस्ट भी उठा रहा है, गन वाला ऑब्वियसली उसको पहले मार देगा। कोई मेड्स उठा रहा है, गन वाला ऑब्वियसली उसको मार देगा। सो ट्राई टू लैंड ऑन द गन्स फर्स्ट, ताकि आप आगे की फाइट जितनी भी है कंटिन्यू कर सको, राइट? एंड जॉर्जो पोल में फाइट से ज़्यादा मैटर करता है आपका TPP लेना, नॉट गोना लाइ, फाइट से बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका TPP लेना। आप किस टाइप से TPP ले रहे हो, किस टाइप से आप अपनी मूवमेंट्स कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करेगा जॉर्जो पोल में। बिकॉज कंटेनर्स के थ्रू आप बहुत आराम से TPP ले सकते हो, एंड TPP इज़ दी बेस्ट थिंग। अगर FPP में लड़ना है दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, बट TPP इज़ द बेस्ट थिंग फॉर जॉर्जो पोल, राइट? एंड TPP ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी गेम में, बिकॉज आपको अपने ओपोनेंट्स की आगे की चीज़ों का पता रहता है कि वो आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, राइट? सो जॉर्जो पोल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नाउ द पॉइंट, जैसे आप किसी कंटेनर के ऊपर चढ़ के बैठने वाले हो ना, कंटेनर से पहले एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसके ऊपर चढ़ के हम कंटेनर्स पे चढ़ते हैं, राइट? तो उसकी जगह आप सिर्फ जो छोटा सा हिस्सा है, छोटे से बॉक्सेस होते हैं, उनके ऊपर चढ़ो, ऊपर का एरिया स्काउट करो, कुछ है वहाँ पे या कुछ नहीं है, उसके बाद ऊपर चढ़ने का ट्राई करो इफ़ यू वॉन्ट टू, राइट? एंड स्टार्टिंग में अच्छी गन ना मिले तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, बस जो गन मिलती है उस गन के थ्रू फाइट लेने का ट्राई करो। एक गन मिल चुकी है आपके सामने, बंदा ट्राई टू टेक योर फाइट, राइट? बिकॉज जॉर्जो पोल आप जितने बंदे जल्दी लुढ़का सकोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा है एट दी एंड। एंड अगर आपके पास कुछ गन का सामान है जो कि आपको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना था, मान लो आपको मिलती है AKM एंड आपसे AKM का रिकॉल कंट्रोल नहीं होता, राइट? बट आपका कोई फ्रेंड है जिसको कि AKM अच्छे से चलानी आती है, ट्राई टू गिव दैट गन टू हिम इफ़ यू हैव दैट मच टाइम, बिकॉज आपको पता है आपसे नहीं चल पाएगी, होगा क्या एट दी एंड, क्या पता आप नॉक हो जाओ, क्या पता आपके ऑल्टरनेट सिचुएशंस चले जाएँ जो कि हम नहीं चाहते, राइट? हम नॉक हुए, जॉर्जो पोल में उतरे ही हैं और हम नॉक हो गए तो ऑब्वियसली हमारा ही माइनस होगा, किसी और को तो उससे कुछ लेना देना होगा नहीं। सो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब अपना एमो, अपनी गन्स वगैरह शेयर करो। अगर आपके पास दो गन्स, आपके टीममेट के पास एक भी गन नहीं है, उसको गन दे दो, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक गन में एमो खत्म होता है, आप उसको या तो वो रीलोड पर लग जाए, आप गन स्विच करोगे, जब तक आप करोगे तब तक आपका ओपोनेंट भी तो आपका टीममेट भी तो ओपोनेंट पर फाइट ले रहा होगा, राइट? तो वो आप ही को फेवर करेगा, दैट मीन्स एक ओपोनेंट पे दो लोग इकट्ठे फाइट ले पाएंगे, वो आप ही को फेवर करेगा एट द एंड ऑफ द डे, राइट? एंड हम गेम खेलते हैं ऑब्वियसली किल्स के लिए खेल रहे हैं, बट किल्स उतना मैटर नहीं करता जितना कि टीम वर्क मैटर करता है। तो जहाँ कहीं भी पुश करना है आपको, ट्राई करो जितना इकट्ठा पुश कर सकते हो उतना ही इकट्ठा रहना, आसपास रहना, बिकॉज ये चीज़ ऑब्वियसली आपको ही बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी, क्योंकि आप लोग इकट्ठा पुश करो दैट मीन्स आपके टीममेट्स आपके साथ हैं, आपको प्रॉपर एज सच सपोर्ट मिलेगा। आप नॉक होते हो तो साथ के साथ रिवाइव कर सकते हैं, आपको जिसने नॉक किया उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं गोलियां मारकर, तो वो आप ही के फेवर में बहुत ज़्यादा बात आएगी, राइट? एंड ये चीज़ एट द एंड ऑफ द डे सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगी। सो ट्राई टू पुश टुगेदर, ट्राई टू मूव टुगेदर, हैव गुड एंड डिसेंट टीममेट्स जिनके थ्रू कि आप मूव कर सकते हो, जिनके थ्रू आप पुश कर सकते हो किसी भी एरिया में, एंड ये पुशिंग बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज मान लो जॉर्जो पोल, हमको ही पता है जॉर्जो पोल पे एक या दो बंदे तो उतरते नहीं है, जॉर्जो पोल पे स्क्वाड की स्क्वाड उतरती है, एंड अगर आप स्क्वाड्स को मार पा रहे हो ना, एंड यू आर द लास्ट सर्वाइवर इन जॉर्जो पोल, दैट मीन्स यू आर एक्सट्रीमली प्रो, राइट? एंड वो प्रो अपने को बनना है, राइट? ये गेम में ये जो बंदा है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो बंदा, ये हम हैं, हमारी सिचुएशंस है, हम जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो ये बंदा फेस कर रहा है इस गेम में, राइट? हम जितने बंदे मार पा रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ गेम, इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट। सीरियसली आई एम गोना से दैट इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट। यू हैव टू शो दैट यू आर बेस्ट, यू आर बेटर देन दोज 100 पीपल दैट हैव लैंडेड ऑन दैट ग्राउंड। एंड जब जब जोन श्रिंक हो रहा है, उन 100 में यू आर द लास्ट सर्वाइवर एंड यू आर देयर फॉर अ रीजन। यू आर देयर टू प्रूव योर सेल्फ, यू आर देयर टू प्रूव योर वर्थ इन फ्रंट ऑफ दोज 100 पीपल। इट्स नॉट अबाउट ठीक है यार अगर मर गए तो अगले गेम में जीत जाएंगे, नहीं, हर गेम आपके लिए मैटर करता है, बिकॉज हर गेम आपको अपना बेस्ट शो करना है। सो दैट इज वॉट दिस गेम इज ऑल अबाउट, राइट गाइज? सो दीज वर द टिप्स जो कि जॉर्जो पोल में आपको काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं गाइज। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, एम रखते हैं हम जस्ट कितने का रखें,
35 लाइक्स का एम रखते हैं गाइस, एंड हो सके करवा देना। इसके बाद गाइस गिव अवे आ रहा है अपना, गिव अवे 16-17 मार्च को होगा। उससे पहले गिव अवे के रूल्स बहुत सिंपल है, यू नीड टू बी अ सब्सक्राइबर, यू नीड टू शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू फॉलो मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज उस पर मैं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स डालता रहूँगा गिव अवे का क्या क्या सीन रहेगा, क्या क्या सीन कैसे रहेगा, राइट? सो डू ज्वाइन मी आउट देयर। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डू लाइक इट, इफ यू आर न्यू डू शेयर द चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, पीस आउट।